स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिवस को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया? ए 24 मई, बी 25 मई, सी 26 मई, डी 27 मई। आंसर बी 25 मई। एक्सप्लेनेशन: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया। यह उद्घोषणा न्यूयॉर्क में महासभा की 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान हुई। 25 मई 2024 को पेरिस में 1924 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ है, जो खेलों के माध्यम से राष्ट्रों के बीच एकता और सहयोग का प्रतीक है। अगला प्रश्न: कांस फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहां आयोजित होता है? ए कांस, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी लंदन। आंसर ए कांस। एक्सप्लेनेशन: हर बार की तरह इस साल भी फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में 77वां कांस फिल्म महोत्सव की शुरुआत 14 मई से हो गया है। ये फेस्टिवल 25 मई 2024 तक चलने वाला है, जिसमें दुनिया भर की फेमस हस्तियां शिरकत करने वाली हैं। इस फेस्टिवल में दुनिया भर की शानदार फीचर और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग भी होगी। बेस्ट फिल्म को पाम डियोर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। ये अवार्ड 18 कैरेट गोल्ड और एमरल्ड कट डायमंड से तैयार होता है और इसकी कीमत $27,000 यानी 18 लाख रुपए होती है। इस साल ऐश्वर्या राय बच्चन के भी फिल्म महोत्सव में शामिल होने की संभावना है। वहीं एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से लेकर अदिति राव हैदरी भी इस इवेंट में शामिल होंगी। अगला प्रश्न: किस संगठन ने विश्व एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर की स्मृति में रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को शामिल किया? ए विश्व बैंक, बी यूनिसेफ, सी यूनेस्को, डी कौन। आंसर सी यूनेस्को। एक्सप्लेनेशन: भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन को एशिया प्रशांत क्षेत्र के यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर के 2024 चक्र के 20 वस्तुओं में शामिल किया गया है। ये समावेशन भारत के लिए एक गौरव का क्षण है, जिससे देश की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक विरासत की पुष्टि होती है। यूनेस्को द्वारा यह मान्यता विश्व स्तर पर विविध कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देती है। अगला प्रश्न: भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयरड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल VSHQ का परीक्षण किया? ए पटना, बी जयपुर, सी नई दिल्ली, डी आगरा। आंसर डी आगरा। एक्सप्लेनेशन: भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयरड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल VSHQ का परीक्षण किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, ये नवीन तकनीक कहीं भी आपात स्थिति के दौरान त्वरित और व्यापक चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम है। इसे 200 घायलों के इलाज के लिए तैयार किया गया है। अगला प्रश्न: हाल ही में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ए पी शामनिखिल, बी वैशाली रमेश बाबू, सी गुकेश डी, डी विदित गुजराती। आंसर ए पी शामनिखिल। एक्सप्लेनेशन: पी शामनिखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम GM नॉम पूरा किया। इसके साथ ही उनका 12 साल का इंतजार भी खत्म हो गया। 31 वर्षीय शामनिखिल ने साल 2012 में 2500 ELO रेटिंग अंक हासिल किए थे, लेकिन ग्रैंड मास्टर मानदंड के लिए जरूरी रेटिंग के लिए उन्हें 12 साल तक इंतजार करना पड़ा। भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? ए सुनील छेत्री, बी मनवीर सिंह, सी सहल अब्दुल समद, डी लालिंग माविया रालते। आंसर ए सुनील छेत्री। एक्सप्लेनेशन: भारत के सबसे मशहूर फुटबॉलर सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच उनका राष्ट्रीय टीम के लिए आखिरी मैच होगा। छेत्री ने अपने खेल की शुरुआत 2002 में मोहन बागान के साथ की थी। छेत्री का अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण 2005 में हुआ और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला गोल किया था। अगला प्रश्न: फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहां किया गया? ए पटना, बी गुवाहाटी, सी शिमला, डी भुवनेश्वर। आंसर डी भुवनेश्वर। एक्सप्लेनेशन: जेवलिन स्टार और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज ने फाइनल इवेंट में 82.27 मीटर दूर भाला फेंकते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा ने आखिरी बार 2021 में इसी इवेंट में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न: विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ए अंकिता दास, बी मनिका बत्रा, सी सुतीर्था मुखर्जी, डी मोमा दास। आंसर बी मनिका बत्रा।
एक्सप्लेनेशन। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग 24 पर पहुंच गई और विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी। अगला प्रश्न, 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ए ली कुआन यू, बी हलीमा याकूब, सी लॉरेंस वॉन, डी ली सीन लून। आंसर सी लॉरेंस वॉन। एक्सप्लेनेशन, सिंगापुर के उपनेता लॉरेंस वॉन ने 15 मई 2024 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 51 वर्षीय वॉन ने 72 वर्षीय ली हसियन लून का स्थान लिया, जिन्होंने दो दशकों के बाद पद छोड़ दिया। लॉरेंस वॉन 51 साल के हैं और वे भी सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी के ही नेता हैं, जो पिछले 5 दशक से अधिक समय से सिंगापुर का नेतृत्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न, इंडिया स्किल्स 2024 इवेंट के विजेताओं के लिए अगला कदम क्या है? ए वे लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। बी उन्हें शीर्ष कंपनियों में तत्काल रोजगार की पेशकश की जाएगी। सी उन्हें मौद्रिक पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त होंगे। डी उन्हें विदेश में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। आंसर ए एक्सप्लेनेशन। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 15 मई 2024 को नई दिल्ली में शुरू हुई। इसमें 30 राज्यों के 900 से अधिक उम्मीदवार 61 कौशल स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इसमें निर्माण और भवन प्रौद्योगिकी, रचनात्मक कला, फैशन सूचना संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण व इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, परिवहन व रसद आदि शामिल हैं। विजेता सितंबर में लियोन फ्रांस में विश्व कौशल प्रतियोगिता की तैयारी के लिए शीर्ष उद्योग प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लेंगे। इसमें 70 से अधिक देशों के 1500 प्रतिभागी एक मंच पर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? ए साउथ अफ्रीका, बी जापान, सी बांग्लादेश, डी श्रीलंका। आंसर बी जापान। एक्सप्लेनेशन, जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती। फाइनल 11 मई 2024 को मलेशिया के इपोह शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। सुल्तान अजलान शाह को एशिया में एक प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट माना जाता है, जिसने दुनिया की शीर्ष पुरुष राष्ट्रीय हॉकी टीमों को आकर्षित किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण भारत इस टूर्नामेंट में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू रूप से संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया? ए ऑपरेशन मर्यादा, बी ऑपरेशन समृद्धि, सी ऑपरेशन सेंटिटी, डी ऑपरेशन शक्ति। आंसर ए ऑपरेशन मर्यादा। एक्सप्लेनेशन, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की। ऑपरेशन मर्यादा के तहत पुलिस द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों से इस क्षेत्र की मर्यादा बनाने का अनुरोध किया जाता है। हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों के खिलाफ पुलिस चालान के साथ साथ मुकदमा भी दर्ज कर रही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन हासिल हुआ है? ए न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, बी स्काईलार्क ड्रोन, सी AITMC वेंचर्स लिमिटेड, डी मारुति ड्रोन। आंसर सी AITMC वेंचर्स लिमिटेड। एक्सप्लेनेशन, AITMC वेंचर्स लिमिटेड AVPL इंटरनेशनल को कृषि ड्रोन विराज के लिए DGCA का सर्टिफिकेशन हासिल किया है। कंपनी के CEO हिमांशु शर्मा ने बताया कि AVPL के विराज UAS कृषि ड्रोन को पहले प्रकार का प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। विराज UAS ड्रोन बीज प्रसारण, कृषि रसायन छिड़काव और दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला प्रश्न, फोन पे ने हाल ही में किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? ए थाईलैंड, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी श्रीलंका। आंसर डी श्रीलंका। एक्सप्लेनेशन, डिजिटल पेमेंट सर्विस फोन पे ने हाल ही में श्रीलंका में उपी भुगतान शुरू करने के लिए लंका पे के साथ हाथ मिलाया है। लेन देन की सुविधा उपी और लंका पे नेशनल पेमेंट नेटवर्क द्वारा की जाएगी। श्रीलंका की यात्रा करने वाले भारतीय इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अगला प्रश्न, सिनेमा और वकालत के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किसे फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया? ए अमिताभ बच्चन, बी जावेद अख्तर, सी शबाना आजमी, डी शाहरुख खान। आंसर सी शबाना आजमी।
एक्सप्लेनेशन, मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान और महिला के अधिकारों का प्रचार करने के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में 5 राष्ट्रीय पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले 73 वर्षीय अभिनेत्री गत सप्ताह लंदन में आयोजित यूके एशियन फिल्म महोत्सव UKAFF समारोह में सम्मान ग्रहण किया। ये पुरस्कार सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। किस निर्देशक की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने वाली है? ए सत्यजीत रे, बी श्याम बेनेगल, सी राजकुमार हिरानी, डी मीरा नायर। आंसर, बी श्याम बेनेगल। एक्सप्लेनेशन, वर्गीज कुरियन के दुग्ध सहकारी आंदोलन से प्रेरित निर्देशक श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन 18 मई 2024 को कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। फिल्म मंथन का विषय दुग्ध सहकारी आंदोलन है। अगला प्रश्न, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 अप्रैल, बी 20 मई, सी 20 जून, डी 20 जुलाई। आंसर, बी 20 मई। एक्सप्लेनेशन, मधुमक्खियों और अन्य परागंकों के हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी EPG बैठक कहां आयोजित हुई है? ए ढाका, बी बर्लिन, सी बीजिंग, डी कोलकाता। आंसर, ए ढाका। एक्सप्लेनेशन, बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की भविष्य की दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह EPG की तीसरी बैठक 12 और 13 मई 2024 को ढाका बांग्लादेश में बिम्स्टेक सचिवालय में आयोजित की गई थी। EPG G20 शिखर सम्मेलन में शेरपाओं की तरह ही भूमिका निभाता है। वे सदस्य देशों के शीर्ष क्रम के अधिकारी हैं जो आगामी शिखर बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करने में मदद करते हैं, जिसमें बिम्स्टेक के शीर्ष नेता भाग लेंगे। नवलसान परमार EPG के भारतीय सदस्य हैं। अगला प्रश्न, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 15 मई, बी 16 मई, सी 17 मई, डी 18 मई। आंसर, सी 17 मई। एक्सप्लेनेशन, 2006 से 17 मई को प्रतिवर्ष विश्व वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग WHL द्वारा उच्च रक्तचाप दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। इस दिन का उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है, जो विश्व स्तर पर 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है और मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जो सालाना लगभग 7.5 मिलियन मौतों का कारण बनता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2024 का विषय है। आइए हम इस मूक हत्यारे का सामना करें और सभी को अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापने, इसे नियंत्रित करने, लंबे समय तक जीने के लिए प्रेरित करें। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 14 मई, बी 15 मई, सी 16 मई, डी 17 मई। आंसर, डी 17 मई। एक्सप्लेनेशन, हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष ये दिन 17 मई को मनाया गया। ये लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2024 का विषय प्रजातियों को बचाने का जश्न मनाएं है। 2006 में लुप्तप्राय प्रजाति गठबंधन और डेविड रॉबिन्सन ने दुनिया भर के लोगों को लुप्तप्राय जानवरों और उनके संरक्षण के बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस की सह स्थापना की। पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा? ए सुनीता विलियम्स, बी राकेश शर्मा, सी गोपी थोटाकुरा, डी कल्पना चावला। आंसर, सी गोपी थोटाकुरा। एक्सप्लेनेशन, आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने। पिछले भारतीय अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय नागरिक थे। अगला प्रश्न, 20 मई 2024 को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में कितना मतदान हुआ? ए 45.32%, बी 57.51%, सी 62.78%, डी 70.25%। आंसर, बी 57.51%। एक्सप्लेनेशन, लोकसभा चुनाव का 5वां चरण 20 मई 2024 को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में 57.51% मतदान के साथ संपन्न हुआ। 5वें चरण में महाराष्ट्र में 49.01% राज्य में सबसे कम मतदान हुआ। अगला प्रश्न, मई 2024 में किस घटना के कारण ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी की मृत्यु हो गई? ए हेलीकॉप्टर दुर्घटना, बी दिल का दौरा, सी कार दुर्घटना, डी हत्या। आंसर, ए
हेलीकॉप्टर दुर्घटना। एक्सप्लेनेशन। 20 मई 2024 को अजरबैजान सीमा के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला हियान सहित 9 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। ईरान में नए राष्ट्रपति चुने जाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। नए राष्ट्रपति के चयन के लिए 28 जून को चुनाव का समय तय किया गया है। अगला प्रश्न। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए वर्ल्ड बैंक, WHO, सी टाटा ग्रुप, DUNDP। आंसर, DUNDP। एक्सप्लेनेशन, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भारत के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 मई, बी 20 मई, सी 21 मई, डी 22 मई। आंसर, बी 20 मई। एक्सप्लेनेशन, हर साल 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस 20 मई 2001 को मनाया गया था। साल 2001 में 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। भारत ने 1951 शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन UNHCR में भारत साल 1981 से सक्रिय है। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ए 21 अप्रैल, बी 21 मई, सी 21 जून, डी 21 जुलाई। आंसर, बी 21 मई। एक्सप्लेनेशन, 21 मई 2024 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि का प्रतीक है, जिनकी 21 मई 1991 को श्रीपेरुम्बुदूर गांव, चेन्नई के पास में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE के आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDV कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी 22 जून। आंसर, सी 22 मई। एक्सप्लेनेशन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस IDV प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। ये 22 मई 1992 को जैविक विविधता पर कन्वेंशन CBD को अपनाने की याद दिलाता है। जैव विविधता दिवस 2024 का विषय योजना का हिस्सा बने है। अगला प्रश्न। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच की यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ए 39वां, बी 49वां, सी 59वां, डी 69वां। आंसर, ए 39वां। एक्सप्लेनेशन, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 TTDI 21 मई 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया गया है। TTDI 2024 पर भारत की रैंक सुधर कर 39वें स्थान पर पहुंच गई है, जो दक्षिण एशिया और निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? ए नॉर्वे, पुर्तगाल और स्पेन, बी जर्मनी, ग्रीस और इटली, सी नॉर्वे, पुर्तगाल और फ्रांस, डी नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। आंसर, डी नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। एक्सप्लेनेशन, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कदम में फिलिस्तीन को स्टेट देश का दर्जा दे दिया है। इस फैसले के विरोध में इजराइल ने नॉर्वे और आयरलैंड से अपने राजदूतों को वापस बुलाने का आदेश दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे ने अपने फैसले में कहा कि 28 मई से आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। अगला प्रश्न। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई नहीं। आंसर, ए स्वर्ण। एक्सप्लेनेशन, भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौड़ में 55.07 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दीप्ति ने पेरिस में चैंपियनशिप के पिछले संस्करण में अमेरिकी ब्रीना क्लार्क के पिछले विश्व रिकॉर्ड 55.12 सेकंड को तोड़ दिया। तुर्की की आयसे लोंडर 55.19 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही।